नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि प्रशांत किशोर जो जेडीयू के चुनावी रणनीतिकार थे, देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार थे, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अब वो जेडीयू को छोड़ने का मन बना चुके हैं, तो जेडीयू के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर का लंबा चौड़ा दफ्तर है पटना के एग्जीबिशन रोड में, 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ा दफ्तर है, जहाँ पर एक साथ 500 से ज़्यादा नौजवानों को बैठाकर पॉलिटिक्स की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। सैकड़ों लोग सोशल मीडिया के लिए उनकी कंपनी में काम करते हैं। सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर ने ये सब तैयारी तो जेडीयू की मदद के लिए की थी, अब जब जेडीयू ने उनको किनारे लगा दिया है, या फिर कहिए कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बयान से नाराज होकर जेडीयू को छोड़ने का मन बना लिया है, तो अब क्या होगा प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति? ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा, हमारे जहन में भी उठ रहा है, और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। आपको पता है कि प्रशांत किशोर बहुत झक्की हैं और बहुत कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। प्रशांत किशोर को माना जाता था कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं और नीतीश कुमार बहुत भरोसा करते हैं उनके ऊपर। उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार की विरासत वहीं संभालेंगे बिहार में, और पार्टी में भी नीतीश कुमार ने उनको नंबर दो का पोस्ट दे दिया था। लेकिन तब से ही पार्टी के अंदर प्रशांत किशोर का विरोध शुरू हो गया था। तो प्रशांत किशोर पार्टी का विरोध तो झेल ही रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार उनका लगातार साथ दे रहे थे। लेकिन अब जब CCA और NRC को लेकर प्रशांत किशोर लगातार BJP पर हमलावर हैं, उसके बाद नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि पार्टी लाइन से अलग हटकर काम करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, वो जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा नाराजगी प्रशांत किशोर को इस बात से है कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि उनको उन्होंने पार्टी में शामिल कराया था अमित शाह के कहने पर। तो प्रशांत किशोर ने बहुत तगड़ा हमला किया है नीतीश कुमार पर, और उन्होंने कहा है कि ये तो साबित आपने कर दिया कि अभी भी आप में अमित शाह के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं है, यानी अमित शाह जो कहते हैं आप वही करते हैं। और यहाँ तक कह दिया कि आपने मुझे अपने जैसा साबित करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपके जैसा हूँ नहीं। इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जैसा नहीं बनना चाहते हैं, उनका कहने का मतलब यही है, नीतीश कुमार जैसे हैं वैसे उनको पसंद नहीं है। तो अब तो कोई संभावना नहीं है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की दोस्ती आगे निभेगी। तो अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे? आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जो कंपनी है पटना में, उसका दफ्तर है एग्जीबिशन रोड में, वहाँ पर 2.5 लाख युवाओं को राजनीति की ट्रेनिंग देने की पूरी तैयारी है। प्रशांत किशोर लगातार युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने ऐलान किया था कि 2 लाख से ज़्यादा युवाओं को वो राजनीति का प्रशिक्षण देंगे और उनको पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा लोकसभा चुनाव में लड़ाएंगे चुनाव। तो प्रशांत किशोर की कंपनी के पास 2.5 लाख से ज़्यादा युवाओं के आवेदन आ चुके हैं, और उन युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम प्रशांत किशोर दिल्ली चुनाव के बाद करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही बात बिगड़ गई। ये युवा जो 2.5 लाख युवा हैं पॉलिटिक्स का ट्रेनिंग लेकर JDU के लिए चुनाव में काम करने वाले थे, लेकिन अब तो JDU के लिए काम करेंगे नहीं, ये युवा उसी के लिए काम करेंगे जिसके लिए प्रशांत किशोर काम करेंगे। तो सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर किसके लिए काम करेंगे? अगर नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या अपना दफ्तर यहाँ से समेट लेंगे पटना से, या फिर विपक्ष के लिए काम करेंगे? प्रशांत किशोर का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार उन पर कोई जब हमला करता है तो उसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। पंजाब में भी उन्होंने ऐसा ही किया था, आप देख रहे हैं कि अभी भी ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं। तो जब जब प्रशांत किशोर को किसी ने चुनौती दी है, प्रशांत किशोर ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसको जवाब देने के लिए उनके विरोधियों के साथ खड़े हो गए हैं। अमित शाह ने जब प्रशांत किशोर को भाव देना बंद किया तो अमित शाह और BJP के खिलाफ प्रशांत किशोर खड़े हो गए और उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया। तो प्रशांत किशोर अब किसका साथ देंगे, क्योंकि बिहार में तो केवल कांग्रेस पार्टी है और RJD है। कांग्रेस पार्टी भी प्रशांत किशोर को आजमा चुकी है, लेकिन प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति पर नहीं चलने की वजह से उसको सफलता मिली नहीं जो दूसरे दलों को मिलती रही है प्रशांत किशोर की निगरानी में या देखरेख में। लेकिन क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के प्रति उनका रवैया थोड़ा नरम हुआ है। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तारीफ भी की है, प्रियंका गांधी की तारीफ की है।
तो माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब महागठबंधन के लिए काम कर सकते हैं नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो 2.5 लाख युवा उनकी कंपनी से जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग लेने के लिए, वो प्रशांत किशोर के प्रति ज़्यादा समर्पण रखते हैं या फिर नीतीश कुमार के लोग हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जब युवाओं को आमंत्रित किया था उस समय वो जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और उस नाते जेडीयू से जुड़े हुए कार्यकर्ता उनसे जुड़े होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि 2.5 लाख जिन युवाओं ने उनसे पॉलिटिक्स की शिक्षा लेने के लिए एप्लीकेशन दिया है उनमें से कितने प्रशांत किशोर के साथ रह जाएंगे और प्रशांत किशोर युवाओं की टोली बनाकर किस हद तक नीतीश कुमार की चुनौती बढ़ाएंगे। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि प्रशांत किशोर एक जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं और अगर काम करेंगे नीतीश कुमार या बीजेपी के खिलाफ बिहार में तो उसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। वैसे भी महागठबंधन के नेता लगातार उनको न्योता दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अब देखना यह है कि जब वो नीतीश कुमार को छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं, महागठबंधन की ओर से क्या प्रतिक्रिया मिलती है, महागठबंधन के दल की तरफ से क्या कार्रवाई होती है प्रशांत किशोर को अपने से जोड़ने के लिए। क्योंकि प्रशांत किशोर एक कंपनी भी चलाते हैं, उनकी कंपनी देश के कई राजनीतिक दलों के लिए चुनाव रणनीति बनाने का काम भी करती है, तो फ्री में तो किसी के लिए काम करेंगे नहीं। और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को छोड़कर आरजेडी या कांग्रेस में शामिल होंगे नहीं। अभी जैसा कि वो कह चुके हैं कि अभी उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, वो 10 साल तक काम करेंगे, युवाओं की टोली बनाएंगे और उसके बाद राजनीति में अपनी किस्मत अजमाएंगे। तो मानकर चलिए कि प्रशांत किशोर किसी न किसी के लिए काम करेंगे और इस बार जो उनका रहा है करेक्टर स्वभाव उसके अनुसार ये लगता है कि नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए बिहार में महागठबंधन की चुनावी रणनीति वो बना सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।